हमरा पत्नी घड़ा में पानी लेकर के जा रहे थे तो वही दीवार में टकरा के फूट गया। तब दिल में हुआ कि कितना पत्नी के घड़ा फूट दिया होगा। तब यही हमारा भावना में आया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है। भाई अपना अपना हुनर है, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं। और इतना ताकत कहां से लाते हैं? ये प्रेम है, पहले अपने जोरों से था, अभी पहाड़ से है। अगर गाड़ी पर हमको पूछ देता है कि कैसे तोड़ दिया, हमको हाथ से, हमको सुनो गाड़ी का बनाने वाला कौन है, बना कर छोड़ दो गाड़ी चलेगा अपने, फिर तो हाथ में चलाता है। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते हैं? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे? हम तो ठेपा मार हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया? कुछ तो कहिए। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठाओ। दोस्तों मेरे पीछे इस विशालकाय पहाड़ को देख रहे हैं आप, शायद दिखने में आपको बहुत ज्यादा विशालकाय नहीं लगता हो लेकिन है। मैं इस जगह आया हूं और देखकर मैं इसको आपको बता सकता हूं। यदि मैं आपसे बोलूं कि जाइए इस पहाड़ से एक पत्थर उठा के लाइए तो आप बोलेंगे यार ये मेरे बस की बात नहीं है। एक ज़माना था जब लोग कहते थे कुछ नहीं मिल रहा है तो जा और जाके पहाड़ तोड़। इस ख्वाब को, इस सपने को हकीकत में तब्दील किया एक इंसान ने, जिस जुनूनी इंसान का नाम था दशरथ मांझी। वो इसी धरती से, जिसका नाम है गहलौर, और ये जगह जो है ये गया में आता है। गया स्टेशन से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर ये जगह है और इस जगह पे ये विशाल काय पहाड़ चारों तरफ जैसे कि आपको दिख रहा है ये जगह हुआ करता था। वैसे कहा जाता है इंसान जब जुनूनी हो जाए तो वो चांद तारे भी ला सकता है, ये पहाड़ क्या चीज़ है। इसी कहानी को बिल्कुल सच किया हमारे काका दशरथ मांझी ने, जिनकी कहानी को आज मैं अपनी जबानी बिल्कुल उस साइट से जहाँ पे उन्होंने उस कारनामे को अंजाम दिया आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये रास्ता बेशक दिखने में इस वक्त आपको बहुत आसान लगता होगा और जब कोई काम हो जाता है तो हमें लगता है यार ये तो बहुत आसान था, हम भी कर सकते थे। सवाल ये उठता है कि उस काम को करने के लिए सबसे पहला कदम कौन उठाए, इनिशिएटिव कौन ले। समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, हमें पता होता है कि ये गलत है लेकिन हम कदम नहीं उठाते क्योंकि हमें डर लगता है। बीच में यदि नदी हो तो हम खुद तैर कर निकल जाते, उस पर पुल बनाने की बात कभी नहीं करते। उस महान शख्स ने इस जगह पर जब एक विशालकाय पहाड़ हुआ करता था, इस वक्त शायद आपको बहुत आसान लगता होगा, उसको काट कर बहुत आसान कर दिया। आज इस जर्नी को मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन, वो कब, ऐसा कौन सा वाक्या था जिस वाक्या ने, जिस बात ने उसके दिल को छू दिया और उन्होंने ये प्रण ले लिया कि मुझे इस पहाड़ को काटना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये है मेरे साथ गुप्ता जी। गुप्ता जी गया से लेकर आए, मुझे पटुआ टोली लेकर गए, अब गया लेकर जाएंगे और यहाँ तक लेकर आने में मुझे इनकी इनका योगदान है और इन्होंने मुझे यहाँ तक लाया तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी। दोस्तों ये कहानी बहुत लंबी है लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। बात 50s की है जब दशरथ मांझी इसी पहाड़ के, पहले ये बहुत विशाल का जंगल हुआ करता था और उस पर चूँकि ये एक गरीब परिवार से थे और अपने जीवन यापन के लिए लकड़ी काटने पहाड़ों पे जाते थे और वहाँ काम करते थे। हालांकि इसके पीछे कई सारी मतें हैं, मूवी में भी दिखाया गया है और मैंने भी आने से पहले काफ़ी स्टडी किया। दशरथ मांझी की जो पत्नी थी, धर्म पत्नी फाल्गुनी देवी, जिसे फाल्गुनिया के नाम से जाना जाता था, वो खाना लेके गई ऊपर और जो आप देख रहे हैं ऊपर पहाड़ी रास्ता, अब तो ये नीचे हो गया, रास्ता बन गया तो अब ये बहुत आसान लग रहा है, ये बहुत मुश्किल हुआ करता था जैसा कि स्थानीय लोगों से जानने पे पता चला। तो जब ये गए वहाँ पर खाना लेकर तो रास्ते में पाँव उनका फिसल गया और वो गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। वो कहते हैं कि जब इंसान जुनूनी हो जाए तो कुछ भी संभव है। दशरथ मांझी ने सोचा कि अब इस पहाड़ को ही काटते हैं और इन्होंने शुरू किया इसको काटने।
काटने का काम शुरू किया। गांव के लोगों ने कहना शुरू किया, ये मंझिया पागल हो गया है, मुसहर बोला जाता है इन्हें, ये मुसहरबा पागल हो गया है, ये किसी लायक नहीं रहेगा। धीरे धीरे गांव के लोगों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया। उनके परिवार के लोगों ने भी, बीवी तो चली ही गई थी, लेकिन वो इंसान पूरी तरह से जुनूनी हो चुका था और उसने ठान लिया था, एक सिर्फ छेनी और हथौड़ी था उनके पास, और उसी से वो रोज़ काटते रहते, थोड़ा 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 पहाड़ काटते रहते, यहाँ तक कि जब अन्न ख़त्म हो गया तो गंदा पानी पी के, जैसे कि आपने मूवी में भी देखा होगा, और मूवी की पूरी बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन साहब कहीं ना कहीं ये घटना सच थी और ये हकीकत में यहाँ पर हुआ। पूरे 22 साल लगे इसको काटने में दोस्त। आप एक साल एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और फेल हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि यार मैं तो डिप्रेशन में चला गया, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। वो इंसान जो कठिन परिश्रम 22 साल तक करता रहा, एक छेनी और हथौड़ी से ताजमहल को भी बनाने में 22 साल लगे और इस पहाड़ को भी काटने में, लेकिन ताजमहल के पीछे एक बहुत बड़ा खजाना, बादशाहत, पैसे, नौकर, मजदूर, तब जाकर के बने, मोहब्बत का पैगाम जिसे पूरी दुनिया में कहा जाता है, और इसे भी कहीं ना कहीं, लेकिन इसे बनाने के लिए सिर्फ 22 साल का समय, एक इंसान का जुनून और उसके पीछे उसकी कर्तव्य निष्ठा, जिसने इस महान पर्वत को जो है वो काटा और काटकर रास्ता आसान किया। बताया ये भी जाता है कि पहले जो ये रास्ता हुआ करता था, ये 26 किलोमीटर का ये रास्ता सफ़र करना होता था गाँव वालों को। पहले बताया जाता है कि बाजार जाने के लिए, हॉस्पिटल, चूंकि ये एरिया जो है ये बहुत 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 ही बैकवर्ड एरिया है, कोई नेता नहीं हुए यहाँ से जो इस एरिया पे ध्यान दे सके, वैसे तो 26 किलोमीटर का सफ़र था, लोग हॉस्पिटल टाइम से नहीं पहुँच पाते थे, मार्केट टाइम से नहीं जा पाते थे, ये चीज़ भी उन्हें खलती थी कहीं ना कहीं। तो इस जुनूनी इंसान ने धीरे 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 धीरे, कहीं ना कहीं हम भी इनकी ज़िंदगी से प्रेरणा ले सकते हैं, अगर किसी भी सफलता के लिए कदम धीरे धीरे उठाया जाए तो एक दिन वो छोटा छोटा कदम जो है वो आपके महान साबित होगा और आप उस चीज़ को कर लेंगे। 22 साल ताजमहल को भी बनाने में लगा और 22 साल लगा इस विशालकाय माउंटेन को, पहाड़ को काटने में भी, लेकिन उस इंसान ने, उस जुनूनी इंसान ने काट दिया। हालांकि दुनिया ने उसे पागल घोषित कर दिया और अब इस रास्ते को उन्होंने केवल 6 किलोमीटर का बना दिया यहाँ से उस जगह जाने के लिए, अब यहाँ के लोग आसानी से कहीं जा सकते हैं। एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा दशरथ मांझी के बारे में। बताया जाता है कि उन्हें इंदिरा गांधी से मिलना था और अपनी बात उन तक पहुँचानी थी, चूँकि उस टाइम में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। वो इंसान सड़कों से और रेलवे ट्रैक से चलता हुआ दिल्ली पैदल चला गया और वहाँ जा करके अपनी बात पहुँचाई। परिणाम तो उनके जीते जी कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, न बिहार सरकार ने, न भारत सरकार ने, जैसा कि हमेशा से इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ और महापुरुषों के साथ छलावा होता रहा है। जीते जी उन्हें कुछ नहीं मिलता और मरने के बाद उनके नाम की समाधि बना दी जाती है। यहाँ भी समाधि है, यहाँ भी उनके नाम का मंदिर है, हॉस्पिटल है, माफ़ कीजिएगा मंदिर नहीं है, समाधि है, हॉस्पिटल है, इनके नाम का पुलिस स्टेशन है, जो कि होना भी चाहिए, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इस जगह को चाहिए था एक और अच्छी जगह बनाना, जो कि अब तक नहीं हो सका। अभी भी ये जगह बैकवर्ड है, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। आप देख रहे हैं ये रास्ता इस वक्त कितना जो है वो आसान हो चुका है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये बहुत मुश्किल था जिस टाइम में इसे काट कर बनाया गया था। कहीं ना कहीं ये हमें बताता है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में असंभव नहीं है, आप यदि सोच लें तो वो चीज़ पॉसिबल है। मैं 1000 किलोमीटर दूर नोएडा से चलकर इसलिए यहाँ आया था सिर्फ इस चीज़ को देखने के लिए कि इंसान जिन्होंने इसको काटा और बनाया रास्ता वो कितना जुनूनी था, और वाकई में होना भी चाहिए। तो दोस्तों, ये पहाड़ जिसको काटा दशरथ मांझी ने, ये उन्हीं की कहानी थी, प्रकाश सिंह आज़ाद की जुबानी, चैनल माई करियर डॉक्टर के जरिए। आपको हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय शुभ हो।